आपने बहुत बड़ा फेंक मारा है कि इंसानों को गोरा रंग पसंद है, मुझे डार्क कॉम्प्लेक्शन पसंद है, विटिस कॉम्प्लेक्शन पसंद है। तो अगर समझो मैं मोमिन बन जाता हूँ तो क्या अल्लाह मेरे लिए गोरी हूर के बदले सावले रंग की हूर दे सकता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा चाहेगा मैं उसको वो दूंगा। और दूसरी बात मैं आप ऐड कर दूं कि वहां पर मेला लगता होगा जी, वहां पर जो शक्ल आपको पसंद आएगी आपकी शक्ल उस जैसी बन जाएगी। जन्नत की बात कर रहे हो, कहीं और की बात कर रहे हो? वहां मेला लगता है, जो पसंद आए छांट लो। कहाँ की बात कर रहे हो भाई? कहाँ की बात कर रहे हो भाई? कि जन्नत में बंदा हाँ जो चाहेगा उसे वो मिल जाएगा, वो ख्वाहिश करेगा उसको वो मिल जाएगा। ये तो तुम जानते ही होगे साहिल, कैसे नहीं मेरी जानते? ख्वाहिश रहेगी जन्नत में कि मुझे अल्लाह बना दिया जाए। साहिल भाई आप तो जाओगे ही नहीं, तो ख्वाहिश तो दूर की बात है। मेरा सवाल यह है कि मेरे दोस्त थे अलामा साहब पाकिस्तान में, वो जब मदरसे में पढ़ते थे उनको ना गदी का बहुत शौक था उनके साथ सेक्स करने का, ठीक है, उनका ख्वाब यही होता था, तो उनकी ख्वाहिश भी ये होती थी। मेरा सवाल यह है कि क्या जब वो मरेंगे जन्नत में जाएंगे, क्या अल्लाह ताला उनकी, अल्लाह ताला जल्ला जलालो शानो, क्या वो उनकी ख्वाहिश पूरी करेगा, जन्नत में उनके लिए गद्दी का इंतजाम करेगा, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश ये थी? कि अल्लाह खुद गे बनने की कोशिश करता है और जहन्नम में अल्लाह मियाँ उनको सजा कैसे देगा? वो उनके पीछे वाले सुराख से जंजीरें डालेगा और उनके मुंह से निकालेगा। अल्लाह को तो खुद गे शिप बड़ा पसंद है, वरना वो जहन्नम में पीछे वाले सुराख में क्यों कुछ डालेगा भाई? और बड़ी जगह है सजा देने की, पीछे वाले सुराख में ही कहाँ पे, कहाँ जंजीरें क्यों डाल रहा है अल्लाह? पीछे पे, कहाँ वाले पे, कहाँ सुराख में जंजीरें क्यों डाल पे? रहा है? सजाएं भी ऐसी, सजाएं भी ऐसी जो कि गैस को पसंद आए। हाँ मजा आ रहा है। अरे पीछे वाले सुराग में डाल रहा है। सुनो अरे सुनो, अच्छा हमारे साथ अब्दुल्ला साहब जुड़े हैं, देखते हैं कि इनके पास क्या है इस मसले पर कहने के लिए। अब्दुल्ला भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, कैसे हो? अरे ये तो हमारे अरे ये हमारे तो पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये इन्होंने आज तक अपना जो माइक मोमिन, जो प्रॉब्लम है मोमिन साहब का, इन्होंने अभी तक सुधारा नहीं है, तो आपसे बिल्कुल बात नहीं हो सकती। जितना टाइम आप मुझे टाइम रद्द करने आप में दे मुझे रहे रद्द हो, करने ये में दे रहे हो, देखिए, ये कम से कम तकरीबन 4 महीने से कुछ आ रहे हैं हमारे मोमिन भाई अलग अलग नाम से। इन्होंने अभी तक, इनका जो ये माइक का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक इन्होंने नहीं सही किया है। अब इनसे बात कैसे की जाए? मैं म्यूट किया करूंगा भाई जब मेरी बात खत्म होगी। जी, टॉपिक पे आ रहा हूँ। अब दो बातें कहनी थी, एक ही कह रहा हूँ कि आप जो पोस्टर करते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद का यूज थंबनेल पे, तो उस पे मेरे मतलब ये बताना चाहता था कि आप जो कहते हैं कि मेरे मोमिन भाई मेरे मोमिन बहन मतलब बहुत प्यार दिखाती हैं, तो ये जानकर भी आप वो यूज क्यों करते हैं कि आपको पता होता है कि इनसे इनको बुरा लगेगा, और वो काले रंग का ही लेकिन वो क्यों? मोहम्मद क्योंकि साहब क्या का आप है नहीं, काले रंग को क्वेश्चन जो तो है, आपको क्यों बुरा जी एक लगता है? सेकंड, क्वेश्चन तो आपको क्यों बुरा लगता है? जी नहीं हमको पता है ना, व्यूवर्स को पता है कि आप किस नियत से करते हो यूज, और उसमें भी आप एक काम करते हो कि जब लड़की का यूज करना होता है तो वो गोरी रंग की होती है, लड़का जो मर्द होगा कोई मोमिन वो काले रंग का आप ढूंढ के लाते हो। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप काले रंग को बुरा समझते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस तो काले ही नहीं हैं, फिर इंडायरेक्टली आप इंडियंस को आपको बुरा समझते हैं। आप मैं भी कुछ म्यूट कर बोलूँ? दीजिए, म्यूट कर मैं भी कुछ दीजिए। बोलूँ? हाँ आप बोलिए गालिब भाई। अच्छा ये बताओ, जन्नत की सारी हूरें गोरी ही क्यों हैं? कोई काली सांवली क्यों नहीं है भाई? यही सवाल वो, यही अकल वहां भी दौड़ा सवाल लेना वो, चाहिए। यही अकल वहां भी दौड़ा लेना चाहिए। जी मैं जवाब दूं? हाँ हाँ आपने कहा कि जन्नत में जो है गोरी क्यों है, क्योंकि गोरा रंग जो है इंसान को पसंद है इसलिए गोरी है। तो इसमें अब मर्द भी तो गोरे होंगे ना, वो बात आप भूल गए शायद। अल्लाह को भी गोरा रंग पसंद है यार, गोरों को काला रंग नहीं पसंद मैंने है, कहा यार कि गोरों को काला रंग, मर्द गोरों भी, को काला मैंने रंग कहा कि पसंद है, मर्द गोरों भी को गोरे काला रंग रंग के होंगे, पसंद है। आप वो बात जो है ना छोड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ मर्द भी गोरे रंग के होंगे? साहिल भाई जब मर्द की इमेज यूज करते हैं तो ये काला वो या मोटा ऐसा मतलब क्यों ढूंढ तो के लाते मतलब हैं? किसी अच्छे मर्द की यूज करते तो काले क्या? रंग से आपको आपको प्रॉब्लम है अल्लाह ना? का नहीं, प्रॉब्लम है आपकी अल्लाह आप को ही प्रॉब्लम है, नहीं, आप काले रंग को बुरा समझते हो इसलिए आप जो है अल्लाह ना बुरा मतलब समझता मुसलमानों है, को अल्लाह बुरा रिप्रेजेंट कर रहे हो समझता है, काले अल्लाह रंग बुरा से। समझता है, अल्लाह बुरा समझता है, बुरा समझता है।
चलो ठीक है ठीक है नहीं, नहीं, जी, आप चलो ठीक समझते है हो। ठीक है जी। अरे भाई आपको टॉपिक से हटके जो बोलना था बोल दिए, अच्छा बोले या बुरा बोले वो बात की क्या बात बोले है। वो बोल बात की बात है। नहीं, बोल आपने जवाब नहीं दिया बोल भाई, आपने जवाब नहीं दिया। अब्दुल्ला भाई, एक बात तो गालिब भाई ने जैसा बताई ये साबित हो गई कि अल्लाह को भी काला रंग जो है वो पसंद नहीं है, वरना वो नहीं जन्नत है में वरना हर वो किसी को, हर नहीं, जन्नत में ये हर गलत बात किसी है, को। गलत बात है सही क्या है फिर वो बताइए। जी। इन्होंने कहा कि जन्नत में जो है वहां पर गोरी गोरी मतलब गोरे रंग की हूरें होंगी, तो वो इसलिए होंगी क्योंकि जन्नत इंसानों के लिए होगी, खुदा के लिए नहीं होगी। इंसानों को गोरा रंग पसंद है और वहां पर मर्द भी गोरे होंगे जो जन्नत में जाएंगे, लेकिन साहिल भाई के थंबनेल पे आपको काले मर्द और गोरी औरतें मिलेंगी, इसके पीछे क्या राज है? और दूसरी बात ये कि वो नंगी औरतें मिलेंगी, तो क्या अपनी बहन की मतलब ऐसी पिक लगा सकते हैं थंबनेल पे जिस तरह की ये लगाते हैं दूसरी औरतों की? आपने बहुत बड़ा फेंक मारा है कि इंसानों को गोरा रंग पसंद है, मुझे डार्क कॉम्प्लेक्शन पसंद है, विटिस कॉम्प्लेक्शन पसंद है। तो अगर समझो मैं मोमिन बन जाता हूँ तो क्या अल्लाह मेरे लिए गोरी हूर के बदले सावले रंग की हूर दे सकता है? दे सकता है। जी मैं जवाब देता हूँ, आपने पढ़ा होगा कि चूंकि आप जो है ना वो मतलब क्या दाई रह चुके हैं, तो आप मुझे लगता है आप मतलब आपकी शायद याददाश्त कमजोर है, वरना आप लोगों को बताते होंगे कि जन्नत में वो कुछ होगा जो बंदा चाहेगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा चाहेगा मैं उसको वो दूंगा। और दूसरी बात मैं आप ऐड कर दूं कि वहां पर मेला लगता होगा जी, वहां पर जो शक्ल आपको पसंद आएगी आपकी शक्ल उस जैसी बन जाएगी, सही है? भाई 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 भाई, जन्नत की बात कर रहे हो कहीं और की बात कर रहे हो? वहां मेला लगता है, जो पसंद आए छांट लो, कहाँ की बात कर रहे हो भाई? जी जन्नत की बात कर रहा हूँ, आपने शायद सुना नहीं होगा तो वो मेरी गलती नहीं है। नहीं, मैंने सुन लिया, तभी तो मुझे मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये कहाँ जाने की बात कर रहे हैं अरे ये। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं जी ये? मैं पूरी बात रखता हूँ आपको, शायद वहां पर जुमा जुमा के दिन मेला लगता होगा, उसमें क्या होता होगा कि एक बाजार मतलब बाजार लगता होगा, वहां पर आपने कोई शक्ल देख ली, वो मैं मतलब नहीं बता सकता कि कैसी किस तरह की वहां स्टैचू बने होंगे या कुछ शक्ल देखी आपने, आप मतलब आपके दिल में ये राय पैदा हुई कि आप इस जैसे होने चाहिए, तो आप उस जैसे बन जाएंगे, आपकी बीवी जो होगी साथ में या कोई होगी उसकी मतलब उसका दिल चाहेगा कि मैं इस जैसी मतलब दिखनी चाहती हूँ, तो वो वैसी बन जाएगी, ठीक लेकिन है? मुझे मेरी बीवी उस शक्ल की नहीं चाहिए तो। आपको आपको नहीं चाहिए तो नहीं बनेगी, इसमें क्या है? नहीं, लेकिन पर मेरी वो बीवी को तो चाहिए कि वो दूसरे की शक्ल की बने, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मेरा सवाल सुनिए आप, मुझे मेरी बीवी की असल शक्ल पसंद है, ठीक है, लेकिन मेरी बीवी को किसी और की शक्ल पसंद है, तो अब ये दोनों की चाहत अल्लाह कैसे पूरी कर सकता है ये बताइए। जी नजर से जी आपने कहा कि आपको जो है उसकी एक शक्ल पसंद है लेकिन आपकी बीवी को दूसरी शक्ल पसंद है, पहले ही तो मुझे मतलब आपके नसीब पे अफसोस होता है कि आपको ऐसी बीवी मिली है जो आपसे इतना भी कोऑपरेशन नहीं कर सकती कि आपको जो है ना, पहली अच्छा, बात तो यह है कि कॉपरेशन पे आ बीवी गई को बात। वो अच्छा शक्ल कॉपरेशन पसंद पे आ है। गई बात, एक सेकंड एक चाहत सेकंड, पे नहीं है। मुझे वो पॉइंट रखने दो, आप मुझे बताओ कि जो औरत है ना वो मेकअप साहिल करती मैं है या कुछ बोलूं, और साहिल करती है, मैं किस बोलूं, लिए मैं करती रुक है? जाओ, नहीं मैं रुक जाओ, रुक एक जाओ, सेकंड उस्मान के साहिल भाई सुन, मैं मुझे रुक जवाब जाओ, दो रुक जाओ, उस्मान के सुन, मैं रुक जाओ, उनको बोलने दो। जी, वो एक औरत जो है मेकअप करती है या कुछ और करती है किस लिए करती है? फॉर एग्जाम्पल एक शादीशुदा औरत वो किस लिए शायद करती तुम है? आंसर जानते हो, लेकिन उसको गोल लपेट रहे हो। यार अब्दुल्ला भाई, इसीलिए कहते यार हैं अब्दुल्ला कि, भाई, इसीलिए कहते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं अब्दुल्ला भाई, जब मेरी बात हो जाएगी तो मैं खुद आपको अनम्यूट करूंगा, आप प्लीज अपने साइड से अनम्यूट मत करना। एक बार मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसी बात करते ही क्यों हो जिसमें आप अपनी बात में फंस जाओगे। अब उसके लिए आपको पूरी जलेबी देनी पड़ रही है, मेकअप क्यों करती है, वो क्यों करती है, बात चाहत की है। आपने कहा कि जो मोमिन है उसकी चाहत जो भी रहेगी वहां पूरी हो जाएगी, और आपने उसमें एक मिसाल दी कि आपको जो शक्ल पसंद है मेला लगेगा। अब सोचिए वहां पे मेला लग रहा है औरतों का मर्दों का, उसमें से जो शक्ल पसंद है उसमें से वो मेरी शक्ल हो जाएगी। तो उस पे मैंने एक सवाल किया कि भाई मुझे मेरी बीवी की जो ओरिजिनल शक्ल है वो पसंद है, लेकिन मेरी बीवी को
दूसरी किसी की शक्ल पसंद है। अब ये अल्लाह दोनों की चाहत कैसे पूरी करेगा, इस पे आपके पास कोई जवाब नहीं है बल्कि जलेबी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो एक्चुअल टॉपिक है उस पे बात किया करिए, क्योंकि आप जो भी बात कहोगे ना आप अपनी बात में खुद फंसोगे। जी देखिए साहिल भाई, आपकी जो है मतलब मैं भी आप बहुत महीने से आपको जानता हूँ, आपकी ये पुरानी मतलब जो है ना एक ट्रिक है कि आप जो बंदा चाहे कुछ भी बोले आप यही बताते हो कि आप फंस गए, जलेबी बना दी, इसके पास कोई पॉइंट नहीं था। जब मैं लीव करूंगा फिर भी आप यही कहोगे कि ये अपना पॉइंट नहीं रख पाए, तो वो उस पे मैं आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकता आपको, वो तो आपके मतलब चैनल आपका है, जो आप चाहे वो कैसे कह। लेकिन मैंने जो है पूरी तरीके से डिफाइन कर लिया। आप मैंने आपको म्यूट किया, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि चाहत के ऊपर मुझे मेरी बीवी की ओरिजिनल शक्ल चाहिए और मेरी बीवी को कोई दूसरी शक्ल चाहिए, क्या अल्लाह हम दोनों की चाहत एक साथ पूरी कर सकता है, हाँ या ना में प्लीज जवाब दीजिए, और अगर कर सकता है तो कैसे करेगा। प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर। जी ये तो वही वैसे ही सवाल हो ना, जैसे एक बंदे ने पूछा कि जन्नत में इलेक्ट्रिसिटी होगी या अल्लाह ताला, या जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गॉड इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जिससे वो खुद नहीं उठा सकता हो। तो आप जो है ना, पहली बात तो ये कि आप जन्नत का पूरा वो सिस्टम नहीं समझ सकते। यहाँ पर क्या अल्लाह ताला फरमाता है कि वहाँ पर किसी के दिल में किसी के खिलाफ कोई मतलब हसद नहीं होगा, कीना नहीं होगा, बस पीस ही पीस होगा। तो जब वहाँ पर आप, हो सकता है कि आपके दिल में ये राय उठे ही ना, क्योंकि कहते हैं कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो वो। भाई आपकी बात आ चुकी है, मतलब एट द एंड फाइनल जवाब ये है कि हम दोनों की चाहत एक साथ पूरी नहीं कर सकता, जबकि वो दावा कर रहा है कि इंसान जो चाहेगा वैसे उसकी शक्ल मैं करूं। सारी बार उसके बाद मैं चला जाऊंगा, एक बात कहूंगा। रुक जाओ ना यार, स्मार्ट क्रिएशन भाई का जवाब तो सुन लो, हो सकता है आपको तो बचा ले। एक बात, मैं फिर बाद में जाऊंगा यार, मैं जा रहा हूँ, फिर एक बात रखूंगा मैं जाऊँ। रुको ना यार, इतना इतनी जल्दी क्यों है अभी आपको, अभी तो एक्चुअल टॉपिक पे बात भी करना है आपको, रुक जाओ एक मिनट। स्मार्ट क्रिएशन भाई प्लीज, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं बोलिए स्मार्ट क्रिएशन भाई, कैसे पूरी करेगा दोनों की चाहत अल्लाह। अच्छा तुम क्या चाहते हो पहले ये बताओ, मतलब मुझे बताओ तुम चाहते हो अपने बीवी को ओरिजिनल हालत में। हाँ, और मेरी तुम्हारी बीवी चाहती है और की शक्ल, वो तो सिंपल है ना। तुम एक मिनट सुन लो, हाँ बताइए। अच्छा तो ये बहुत सिंपल आंसर है, वो तुमको उसकी ओरिजिनल हालत में दिखेगी, और वो खुद को जब अपने आप को देखेगी वो जिस शक्ल में खुद को देखना चाहेगी वो देखेगी। ये बहुत सिंपल है आदमी, तो सुनो जन्नत में तुम्हारा चल रहा है, सुनो जन्नत में। अरे यार तुम तो पहले ही यही दिक्कत है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो बात ही तो क्या तुम नहीं जानते कि जन्नत में, सुनो जन्नत में अल्लाह ताला हर इंसान को अपने मर्जी का मालिक बना देगा, वो जो चाहेगा वो होगा, वो जो अच्छा, चाहेगा उसे मिलेगा। अच्छा एक मिनट रुको। अच्छा, दूसरी हम लोग जहाँ जन्नत, मेरी बात सुनो, जन्नत जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बस उस चंद हदीसों की रोशनी में है जो बताया गया है, डिटेल में तो नहीं आया है, ठीक है, मामला डिटेल में। ये भी आपने अपनी अपनी मर्जी से बता दिया ना, ये मेरी बात को जवाब जो है अपनी मर्जी से बताया ना। कौन सा ये जो अभी बताया कि आप जो है, बिल्कुल नहीं, तुम खुद जानते हो जन्नत में हर आदमी को कौन फयकून का, किसी हद तक कौन फयकून का जो अल्लाह की जो सिफ्त है वो उस बंदे को मिल जाएगी कि वो जो चाहेगा जन्नत के किसी चीज को फना नहीं है। हदीस पे अच्छा अच्छा नहीं नहीं साहिल भाई, आप हदीस पेश करो जो थंबनेल में आपने बताया है कि दिल। हाँ मैं एक चीज पूछ लू स्मार्ट क्वेश्चन भाई से कि अगर जन्नत में जैसे आप बोल रहे हो कि बंदा अपनी मर्जी का मालिक एक होगा, बात हो जाए भाई, तो एक एक आदमी से बात हो जाए ना, तो ये होता ये है कि वो अपने दिमाग से सोचता है बस, और तुम उससे कुछ निकाल के फिर मुझे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मारने का ये नहीं है। अब वो साहिल को पूछने दो, उसकी जितनी असद है वो भाई थोड़ा सब्र रखा करो यार, मैं ये बोल रहा हूँ जवाब नहीं हो पाएगा, फिर वो तुम पूछते पूछते वो पूछेगा एक और, ऐसे थोड़ी होगा भाई। उसके बाद म्यूट हो जाऊंगा मैं।
मैं ये बोल रहा हूँ कि जन्नत में अगर जिब्रील को नहीं, पीटने का अभी मन अभी हुआ साहिल को पूछ रहे हो, साहिल से बात हो रही है। साहिल का जो जवाब सवाल था, मैंने वो मतलब जो सिंपल आंसर था वो, साहिल को मुझे भी पता नहीं कैसे पता नहीं है कि जन्नत में बंदा जो चाहेगा उसे वो मिल जाएगा, वो ख्वाहिश करेगा उसको वो मिल जाएगा। ये तो तुम जानते ही होगे साहिल, कैसे नहीं मेरी जानते। ख्वाहिश रहेगी जन्नत में कि मुझे अल्लाह बना दिया जाए, अरे यार, पूरी होगी। कोई कोई बंदा वो ख्वाहिश ही बंदा नहीं वो करेगा तो ख्वाहिश किसी का वो अहल नहीं नहीं, करेगा, किसी का साहिल वो तो अहल जाएगा ही नहीं। नहीं। साहिल भाई आप तो जाओगे ही नहीं, तो ख्वाहिश तो दूर की ठीक बात है। भाई यही क्योंकि मसला है। जन्नत, सुनो सुनो, अच्छा, जन्नत गालिब के भाई को किसी कुछ चीज बोलने को दो पना। यार, 1 मिनट को अरे गालिब भाई गालिब बोलो। का बात मत करो, गालिब इलॉजिकल देहातियों की तरफ। आपको म्यूट करना पड़ रहा है मुझे, सॉरी। गालिब भाई अपनी बात रखो। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह ना बनाए अगर जिब्रील को पीटने का मन हुआ तो उससे बड़ी खुन्नस है ना भाई। आस पार्ट कैसे भाई, जिब्रेल को अगर पीटने का मन हुआ तो अब क्या मैं होगा? देखो, ये जो गालिब जिस तरीके का लैंग्वेज बात कर रहा है, ये इसमें क्या मैं इसका गलत है? सारा जवाब दे, सुनो सुनो, नहीं, सुनो, इसका सारा तो जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ये अभी दीजिए, लाइव तुम चला रहे हो, सुनो, तो ये लेकिन अभी क्या गलत जो क्या लाइव कहा चल उसने? रहा है, नहीं, सुनो उन्होंने सुनो, गलत अरे क्या कहा है? यार सुन तो लो, लाइव चल हाँ रहा है, अगर बैक स्टेज मौका मिला, ये बंदा मिला, तो मैं इसके इसी भाषा में बताऊंगा जिस भाषा में ये बात कर रहा है। तो अभी जवाब नहीं है कि अगर नहीं, मैं गालिब बैक भाई स्टेज को बताऊंगा, गालिब अभी भाई मैं को बैक गालिब भाई स्टेज को बताऊंगा, बैक जी मैं स्टेज जवाब पे दूंगा, बैठ साहिल भाई मैं जवाब दे दूं। के कितनी ओछी बात कर रहे हैं कि मतलब जो चीज नहीं आदमी करेगा उसको वो बोला है कि करके दिखा, तो मैं भी उसको उसी स्टेज में लाके फेंक दूंगा। हाफिज साहब आपका इस्तकबाल हाफिज है। साहब आपका इस्तकबाल है। सॉरी, ये एको आ रही है बीच में से। ओके, मेरा साहिल भाई मैं सवाल चाहता हूँ भाई कि गालिब भाई से मैं 2 मिनट बात कर लूँ। मेरा सवाल यह है कि मेरे दोस्त थे अलामा साहब पाकिस्तान में, और मैं ओपन कन्वर्सेशन में आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन हो रही है जन्नत और दोजख के बारे में और ख्वाहिश के बारे में। मेरे एक दोस्त थे अलामा साहब पाकिस्तान में, और वो जब मदरसे में पढ़ते थे, उनको ना गदी का बहुत शौक था उनके साथ सेक्स करने का, ठीक है, उनका ख्वाब यही होता था, तो उनकी ख्वाहिश भी ये होती थी। मेरा सवाल यह कि क्या जब वो मरेंगे, जन्नत में जाएंगे, क्या अल्लाह ताला उनकी, अल्लाह ताला जल्ला जलालो शानो, क्या वो उनकी ख्वाहिश पूरी करेगा, जन्नत में उनके लिए गद्दी का इंतजाम करेगा, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश ये थी। ये भी हो सकता है या सिर्फ इंसान हो रहे होंगी उधर। I'm so sorry, उनको but किसका शौक है? this question. गधी का शौक है। गदी का शौक है, क्योंकि वो कहा जाता है कि गदी जो है वो ठंडी होती है, और इस वजह से वो गदी का ज्यादा शौक रखते थे औरत से ज्यादा। तो क्या जन्नत में उनके लिए कोई गली का मौलवी इंतजाम लोग की होगा क्यों या ऐसी नहीं, अजीब अजीब शौक होती है यार? क्योंकि वो ज्यादा दाल खाते हैं ना मदरसों में, तो दाल खा खा के वो ज्यादा गर्म होते हैं, तो उस वजह से वो कहते हैं अगर गली का इस्तेमाल किया जाए तो वो ठंडी होती है, तो वो अलामा साहब जो है वो जल्दी ठंडे होते हैं, सो इस वजह से उनको औरत की बजाय गली का ज्यादा शौक था। तो मेरा सवाल यह है भाई कि साहब जब अब वो खाने मरेंगे, खाने में होगा, कुछ और काम करने में नहीं होगा, खाने के लिए होगा सर। नहीं पाइन, उनका ख्वाब यही था कि गली के साथ सोना, समझे, सो इस वजह से मेरा ये ओपन क्वेश्चन है, सो जन्नत में तो अल्लाह मियां ने कहा क्या ना, जो जो जिसकी ख्वाहिश करोगे मिलेगी, तो गधी, ऊंट, खोता, घोड़ा, यू नो, व्हाट एवर यू डिजायर, यू नो। घोड़ा घोड़ा तो यही। मौलाना साहब पहले उनकी जन्नत तो कंफर्म करा दे, फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जन्नत में उनको गदी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले कंफर्म तो देखिए, करा हाँ दें। बिल्कुल, मैं कंफर्म नहीं नहीं करता नहीं हूँ, आप देखिए, क्योंकि नहीं आप आप कंफर्म, पहले ऐसे मैं लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी दलील अल्हम्दुलिल्लाह आप मैं देख, कंफर्म करता हूँ, देखें मैं कंफर्म करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो पता है किस लड़ी से थे, वो सैयद साहब हैं, ठीक है, वो हजरत इमाम तो हसन हुसैन की लड़ी से हैं, ठीक है, जिनको इसका बशारत मिली हुई है कि वो सारे वो जो ये है वो कहां से जन्नत आपको में मिल गया कि जाएंगे। हजरत इमाम, सुनो सुनो सुनो, ये आपको जी कहां से मिल गया कि इमाम हुसैन के अहले बैत में से हैं तो उनकी जन्नत कंफर्म होगी? कौन बोला आपको? ये तो बिशारत है ना, ये आप क्या अच्छा, सैयद है, आप सैयद है क्या? हजरते नू का बेटा काफिर था,
अच्छा और साहिल भाई ऐसे ही एक और कई सवाल। कई हजरत सैयद नूह जाते का, हैं। हजरत नूह का बेटा सैयद एक ज्यादा मिनट, नहीं एक था? मिनट आदम, एक मिनट रुको। नहीं, हजरत नूह ऐसे का ही बेटा सैयद कई, ज्यादा नहीं था ना? नहीं, वो बात नहीं है, सैयद ज्यादा था कि नहीं पहले ये बता पैगंबर का दे। बेटा तो था ना, सो व्हाट, पैगंबर तो सैयद नहीं ज्यादा, था ना। सैयद ज्यादा था? पैगंबर का बेटा था, पैगंबर मेरे प्यारे भाई सैयद ज्यादा का तो नहीं बेटा था ना? क्या बनता, ओके मैं बताता हूँ, पैगंबर आपके का अब बेटा क्या जरूर, बनता, मैं अब आपको आंसर देने लगा। अगर मुझे सिर्फ थर्टी पैगंबर का सेकंड दे, बेटा क्या बनता। अगर मुझे 30 सेकंड दे तो मैं आपको बताता मैं वो नहीं हूँ। बोला, अगर ओके पैगंबर का बेटा होता तो क्या बनता। ओके मैं वही बताने लगा, आप 30 सेकंड बोलना नहीं। ओके, किसी भी और पैगंबर को ये वाली फजीलत हासिल नहीं जिस जो कि मोहम्मद साहब को हासिल है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आप अल्लाह मियाँ प्लीज सल्ले भेजो मोहम्मद साहब पे और उनकी आल के ऊपर। क्या मोहम्मद साहब की तमाम आल इसमें शामिल है, हाँ या ना? बिल्कुल, जो चीजें साबित क्या करने नू हैं की, उनकी जो क्या नू की आल इसमें शामिल है? साबित कदम ने कुरान में वाजे कर दिया है, जो साबित कदम रहेंगे उनके लिए जन्नत की बिशारत। क्या नू की और आल जो इसमें? सर 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 मेरी सर बात, सर अरे मुझे मुझे पता है, आंसर सर पूरा देने दो साहिल, मुझे रुको पता है कि आपको, रुको, प्लीज हाँ जी सर एक सेकंड, मुझे पता है आपको जलेबी बहुत बड़ी बनानी आती है। मैंने सिंपल सा सवाल किया, अगर सिंपल जवाब मिल जाए फिर उसके बाद जो मर्जी कहिएगा। जब आप सल्ले भेजते हैं, अल्लामिया से कहते हैं सल्ले भेजो मोहम्मद साहब पे और उनकी आल के ऊपर, तो क्या आप कहते हैं नू और उसकी आल के ऊपर भी सल्ले भेजो? मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे बताओ, सर वही बताया। मैं जो पूछ रहा हूँ, नहीं मेरा आंसर उसी में है ना। मुझे ये बताओ, जो बनी इसराइल है ये किसकी औलाद है। सर मुझे नहीं पता, कुरान से बताएं जरा। नहीं, तो नहीं पता तो काहे आते हो भाई, तो सर कुरान से फिर बताएं ना डिस्कस ही सर, क्या करते हो। सर कुरान से साबित करें। मैंने तो क्या मैं मुझे नहीं बनी पता इसराइल जो है, सर, मैंने नहीं क्या नहीं मुझे बनी नहीं इसराइल पता? किसकी कुरान औलाद से है। मुझे इसकी आयत दिखा दें कि बनी इसराइल किसकी औलाद है प्लीज। बनी इसराइल किसकी औलाद है। हाँ जी बता दें सर, कुरान की रूह से बता दें, एक आयत दे दें फटाफट ठा करके। साहिल भाई एक सवाल मेरी तरफ से फिर जी से है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक गे इमाम है, अगर वो जन्नत चले गए तो उनके लिए क्या इंतजाम होगा? वाकई में है गे इमाम। अरे बेटा, इसीलिए तो बोला हाँ इनकी जन्नत पहले कंफर्म करा दो। हाँ अरे तो वो गे इमाम है भाई, अब उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मतलब आपके हिसाब से जो गे है वही तो बोल स्मार्ट रहा के हूँ हिसाब ना। से, वो जन्नत में जाएंगे ही नहीं। सर अल्लाह को गे बड़े पसंद है सर, नहीं, आपको मैं पता है? वो नहीं बोल रहा हूँ, गे है नहीं है फैसला कौन करेगा, वो जन्नत जाएगा। क्या फैसला? तुम ये चार जो अच्छा, वो चला जन्नत जो गया, बंदा जाएगा अरे उसका फैसला कौन करेगा, शेख ने और क्या जिसके चला, बारे में तुम तो बता रहे जाएगा हो। ना, कोई स्मार्ट गे क्रिएशन चला भाई, गया, एक कोई मिनट कोई गाली गे भाई, एक तो मिनट स्मार्ट क्रिएशन उसके भाई, लिए नहीं होगा। एक मिनट गाली भाई, एक मिनट स्मार्ट क्रिएशन भाई, अगर वो गे है ठीक है, लेकिन उसने शिर्क नहीं किया है तो एक ना एक दिन तो जन्नत में जाएगा ना। सिर के साथ अगर कुछ बड़ा गुनाह नहीं किया है तो जाएगा हाँ इंशाल्लाह। तो एक ना एक दिन तो जाएगा ना। अब इस गे के लिए क्या इंतजाम है उधर? अच्छा, तुमको जब सजा दे के तुमको जब जन्नत में भेजा जाएगा तो तुम पाक होके जाओगे या वही सोच के साथ जाओगे जो सोच के साथ दुनिया में गंदगी कर रहे, मतलब ये लोग जो है वो जो जो गंदगी कर गंदी रहे हैं। सोच, जैसे 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 दुनिया में जो जो चीज इंसान करता है, खाना खाता है तो उसकी पॉटी भी होती है, करते हो ना पॉटी। गे के बारे में बताओ, गे जो है, मैं बोल रहा हूँ ना, गे सुनो, खाना खाते हो जो है, पॉटी ये आती है, पेशाब आता है। यार होमोसेक्सुअलिटी जो है ये नेचुरल नहीं है क्या? वही तो, वो किसने रखी है, वो सर जी जिसने अल्लाह ने रखी है देखी उसने ना आजमाइश सर जी, के लिए रखी सर जी देखिए है। देखिए हाँ, देखिए देखिए तो देखिए एक जब सेकंड, वो चीज हट ही जाएगी इंसान के जहन से। नहीं नहीं कैसे हट जाएगी, एक सेकंड रुक जाए जरा, यहाँ पे बात बात सुन ले जरा गौर से। एक अल्लाह ने कुरान में एक बता दिया, आप लोग मानते हो जन्नत में जो चाहेगा मिलेगा, अगर मैंने पीछे वाले सुराग से सेक्स करना मुझे क्यों नहीं मिलेगा? वही यार तो बोल मैंने रहा तो हूँ, ये कहा कि गंदगी वहां नहीं मुझे तो मिलेगी, अल्लाह बनना है, जब जब वो आपकी गंदगी पोटी नहीं नहीं होगी, मिलेगी। जब आपकी पोटी जब ही नहीं है तो सुनो, पीछे वाले सुराग में गंदगी कैसे हो गई? आपने अभी साबित कर तो दिया है कि नहीं, जन्नत में मैं आप वही पोटी तो नहीं बोल रहा हूँ करेंगे। तुमको, यार सुन लो ना, तुमको सुनो वो, तो सही, सुनो तो सही, मैं तो वही पता तो लगे ताकि तुमको जवाब दे सको तुम। जब तुमने तुम कहा कहाँ कि सुन, जन्नत में पोटी नहीं करोगे अरे तो गंदगी नहीं होगी पीछे वाले सुराख में, तो फिर पीछे वाले सुराख से सेक्स करने में कबाहत क्या होगी? प्लीज आप एक्सप्लेन करो।
तुम्हारी आवाज कट रही है। मेरे मैं प्यारे वही तो बोल रहा इफ्रा, हूँ, जब वो सोच ही नहीं रहेगी कि मैं किसी मर्द के साथ सेक्स करूं, तुमको पाक करके भेजा जाएगा दोजख से, पिटाई हो के भेजा जाएगा। कुरान की आयत दिखा तुम दो, तुम्हारे अंदर वो जहन में होगा ही नहीं, तो तुम करोगे कुरान की कैसे, आयत तुम दिखा ये दो, बताओ। कुरान की आयत दिखा दो जो बता दे कि ये जन्नत में नहीं होगा। क्योंकि मैं तुम्हें अभी साबित कर देता हूं कि अल्लाह खुद गे बनने की कोशिश करता है, और जहन्नम में अल्लाह मियां उनको सजा कैसे देगा, वो उनके पीछे वाले सुराख से जंजीरें डालेगा और उनके मुंह से निकालेगा। अल्लाह को तो खुद गे शिप बड़ा पसंद है, वरना वो जहन्नम में पीछे वाले सुराख में क्यों कुछ डालेगा भाई? और बड़ी जगह है सजा देने की, पीछे वाले सुराख में ही कहां जंजीरें क्यों डाल रहा है पे, अल्लाह? कहां पे, कहां पीछे पे, वाले कहां सुराख में जंजीरें क्यों पे, डाल किस रहा है? दुबर में, अरबी में दुबर जगह, कहते किस हैं, जगह का। अरबी में दुबर कहते हैं अरे उसको, यार दुबर। वो जगह समझ में आ गया, कौन सी जगह, जन्नत या दोजख, कहां की बात कर दोजक रहा में, दोजक में है। सजाएं भी ऐसी जो कि गैस को पसंद आए। हाँ मजा आ रहा है, अरे पीछे वाले सुराख में डाल रहा है सजाएं भी अल्लाह, ऐसी, सुनो सुनो, सजाएं भी ऐसी जो तेरे जैसे मुर्तद सीधे हो जाए, ऐसी सजा मिले कि तुम जैसे मुर्तदों को समझ में आए कि तुमने क्या किया है। वैसे मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अल्लाह जहन्नम में हम जैसे मुर्तदों को हमारी बुनों में क्यों मुर्तदों चैने को ऐसी डालेगा? ही कहीं सजा और से क्यों नहीं मिलेगी सजा जिस दे तरीके की सकता? तुम सोच रखते हो, अमा स्मार्ट क्रिएशन जिस सुन तो तरीके की लिया तुम कर सोच रखते हो। यार, तुझे क्यों इतनी इतनी तेरे तेरे अंदर कौन सा कीड़ा है जो तुझे सब्र नहीं लेने देता? सुन तो लिया कर जवाब देने से पहले। हेलो अच्छा अभी हम थोड़ी देर हेलो, के लिए स्मार्ट क्रिएशन भाई को निकाल चुके हैं, क्योंकि एक्चुअल टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है जिस पे उनकी कोई पकड़ नहीं है। हाँ गालिब भाई, आप कुछ बोल रहे थे? एक थोड़ा बुरा लफ्ज बोल दूं आज हाँ बोल दो। यार, ये तो एकदम गांड फाड़ फाड़ खुदा निकला। अरे मैं गालिब हम साहब बिल्कुल कमाल हो गया। हाँ गुस्ताखी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पनिशमेंट ही ऐसी है तो उसको अगर लफ्जों में बयान करे तो उसका मतलब वही होगा। भाई सर, उर्दू में, अच्छा वैसे उर्दू में मुझे इसका दुबर की ट्रांसलेशन बताएगा क्या होती है, क्योंकि मैं अरबी नहीं बोलना चाहता यार, उर्दू लाइव स्ट्रीम है, मैं उर्दू का लफ्ज यूज करना चाहता हूँ। अरे इंग्लिश में पिछवाड़ा बोल बोल दे सकते हैं? भाई, सीधी सी नहीं, बात पिछ है। पिछवाड़ा पिछवाड़ा नहीं ना सर, पिछवाड़ा तो वो हिप्स भी आते हैं ना बीच में, वो जो सुराख होता है उसको उर्दू में क्या कहते हैं भाईजान उर्दू में इतना? उसको पीठ शरीफ कहते हैं, पीठ शरीफ या सर गुम पीठ शरीफ। शरीफ, सर पीठ शरीफ वो चुतड़ होते हैं ना, वो होते हैं पीठ शरीफ, जो सुराख होता है उसे क्या कहते हैं? बुंड शरीफ, मोरी शरीफ, मोरी शरीफ गांड, कर रहे हैं। बुंड शरीफ की मोड़ी। ओके चले ठीक है, ठीक है, बुंड शरीफ की मोड़ी। ये तो और टाइट मामला है। टाइट टाइट मामला सर, नहीं मतलब टाइट नहीं रहने देगा, बड़ी जबरदस्त जंजीरें डालेगा उसके अंदर। अरे यार कैसे कैसे क्योंकि गंदी गंदी इस्लाम में बात हर हो रही चीज है जो है वो शरीफ के साथ लगाई जाती है ना। सर। वो माशाल्लाह मैं भी शरीफ के साथ लगाऊंगा सर, आप टेंशन नहीं ले, जो ओके लिखा है वही पढ़ के बताऊंगा।